Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to learn range function and how range function works in Python. Let's start with this. The range function returns a sequence of numbers starting from 0 by default and increment by 1 by default and ends at a specified number. We can only use integer whether it's a positive or negative. अच्छा जो range function है वो इसलिए use करते हैं उसका main purpose ये है कि हम कोई रेंज दे सकें नंबर्स की. चाहता हूँ 1 से लेके 100 तक नंबर लिख दो भाई मुझे, वो हम लोग इसके अंदर रेंज डिफाइन कर सकते हैं. इस तरह मैं कह सकता हूँ भाई मुझे रेंज जो है वो 100 से लेके 500 तक कर दो या 50 से लेके 100 तक लिख दो. तो कोई भी जो रेंज है हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं तो वो उसी तरह हमें प्रिंट आउट कर देता है जो भी रेंज हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं. अगर हम रेंज फंक्शन नहीं यूज़ करते तो फिर हमें मैनुअली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बतानी पड़ती है. इसमें ये कि जस्ट हम लोग रेंज दे देते हैं तो वो पूरी की पूरी रेंज हमें स्टोर करवा सकते हैं. दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसके अंदर सिर्फ हम लोग इंटीजर लिख सकते हैं, ना ही हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में लिख सकते हैं और ना ही हम लोग स्ट्रिंग्स में कोई वैल्यू दे सकते हैं. और इंटीजर जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाएंगी. तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे काम करता है. सिंटैक्स ये है कि हम लोग रेंज लिखेंगे सबसे पहले, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, फिर स्टॉप की वैल्यू देंगे, फिर स्टेप साइज आ जाता है. इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मैं रेंज लिखूंगा 1 है, स्टार्ट करो भाई 10 तक लिखो, यहाँ पे स्टॉप कर दे और 2 स्टेप साइज कर ले. अब इसको मैं बता देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है. स्टार्ट मीन्स स्टार्टिंग पोजिशन. इफ़ वी डू नॉट मैंशन स्टार्टिंग बाई डिफॉल्ट इट्स 0. अगर हम इसके अंदर स्टार्टिंग पोजिशन नहीं बताते तो फिर वो क्या करेगा, बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है. उसके बाद आता है स्टॉप. स्टॉप मीन्स ये जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ स्टॉप कहाँ पे करे, 1 से स्टार्ट करे, 10 पे स्टॉप करे, तो एंडिंग पोजीशन हो जाती है ये इसकी. स्टॉप्स 1 नंबर प्रियर टू द एंड नंबर. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने वाला ये है कि इसके अंदर हमेशा जब भी वो स्टॉप करेगा आप लिखेंगे तो 10, लेकिन वो बेसिकली इसको जो स्टोर करेगा वैल्यू वो 9 तक स्टोर करेगा. हमेशा x-1 वैल्यू स्टोर करता है. इफ़ यू स्टॉप एट 10 द एंड नंबर विल बी 10-1 9, यानी कि 9 को स्टोर करेगा. यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो भी आप वैल्यू डिफाइन करेंगे इसके अंदर स्टॉप के अंदर, अगर यहाँ पे 20 करेंगे तो वो 19 को बेसिकली लास्ट नंबर जो होगा वो स्टोर करेगा, 20 को स्टोर नहीं करेगा. उसकी रीज़न ये भी है कि ये स्टार्ट जो करता है वह 0 से स्टार्ट करता है. जब 0 से स्टार्ट करता है तो 0 इंक्लूड होता है. तो अब 1 से लेके 10 तक करवाना चाहते हैं तो वो बेसिकली 0 से लेके 9 तक ले रहा है वैल्यू को. अच्छा उसके बाद आया था स्टेप साइज. स्टेप साइज क्यों करते हैं, इंक्रीमेंट बाय स्टेप साइज. मींस अगर हम इसके अंदर स्टेप्स भी देना चाह रहे हैं कि अगर भी 1 से लेके 10 तक लिखो लेकिन स्टेप उसके अंदर दो दो इंक्रीमेंट करते जाओ. कैसे करता जाएगा, वो जब 1 से लेके 10 तक लिखेगा वो 1 लिखेगा पहले, फिर उसके बाद 3 लिखेगा, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, यानी कि 2 स्टेप जो है इंक्रीज करता जाएगा. अगर मैं 0 से स्टार्ट करवाता तो फिर वो 0, 2, 4, 6 इस तरह. हम लोग ये स्टेप साइज आप पे डिपेंड करते हैं, आप 3 भी वैल्यू दे सकते हैं, 4 जो भी वैल्यू देंगे उसी हिसाब से स्टेप साइज जो है इंक्रीमेंट करता जाएगा. अगर नहीं मैंशन करते तो बाई डिफॉल्ट 1 ही करेगा. अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्दर. अगर मैं कहता हूँ एक्स रेंज 6, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल रेंज दे दी कि 6 तक कर दो, तो ये बाई डिफॉल्ट जो है स्टार्टिंग जो है वो 0 से स्टार्ट करेगा और ये वैल्यू स्टोर करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. आपने देखा 0 से स्टार्ट किया और 5 तक उसने स्टोर की है. और एक्चुअली इसको इंडेक्सिंग करके स्टोर करता है. इंडेक्सिंग कैसे करता है, ये इंडेक्सिंग इस तरह करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह इंडेक्सिंग करेगा और उसके आगे इसकी वैल्यू को स्टोर करता रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ये वैल्यू को स्टोर करता है. और एक आपने देखा 6 तक किया था लेकिन उसने 5 तक स्टोर किया है. इसकी सिंपल रीज़न ये है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो इसलिए वो 5 तक कर रहा है. तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे -1 करके ही स्टोर करेगा. ये याद रखिएगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट जी मैं रेंज ले लेता हूँ कि मैं कहता हूँ 5 से स्टार्ट करें और 8 तक उसको स्टॉप कर दे. तो इसमें क्या करेगा, मेरे पास रेंज जो आएगी वो 5, 6, 7 यही 3 वैल्यू वो स्टोर करेगा और उसका फिर वो इंडेक्स टेबल बनाएगा 0, 1, 2. इंडेक्स हमेशा 0, 1, 2 से स्टार्ट करेगा वो अपनी जो उसको स्टोरिंग पोजीशन होगी. उसके बाद जो वैल्यू करेगा वो इसके आगे 5 स्टोर कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा. नेक्स्ट स्टेप हम लोग और देख लेते हैं जी एग्जांपल के अंदर कि एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर मैं रेंज जो दे रहा हूँ उसके अंदर मैं कह रहा हूँ रेंज भी 10 से स्टार्ट करो, 20 पे स्टॉप कर दो और 2 बाई इंक्रीमेंट कर दो. अब वो हमारे पास क्या स्टोर करेगा, वो ये ऐसे 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह स्टोर करेगा और उसको उसी तरह इंडेक्स बनाएगा और 10, 12, 14, 16, 18 तक स्टोर करेगा. 20 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि -1 करेगा तो 19 है, 90 तो
2 की रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए 18 तक वो ये वैल्यूज जो है 5 वैल्यूज जो है वो स्टोर करेगा। आगे हम लोग जब लूप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इसको अगर मैंने जो वैल्यूज स्टोर करवाई हैं एक्स के अंदर, वो मुझे अगर प्रिंट करवानी है तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करवा सकता। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एक 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 सारी बारी बारी प्रिंट करवानी पड़ेगी, और अगर मैं स्पेसिफिकली एक कोई प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये कमांड देनी पड़ेगी प्रिंट एक्स, एक्स जो वेरिएबल था वो मैंने स्टोर करवाया था, और उसके अंदर फिर मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 4 यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर करवाता हूँ और मैं 4 का इंडेक्स लिखूंगा तो वो मुझे सिर्फ ये 4 वैल्यूज जो होगी वो रिटर्न देगा। और इसी तरह अगर इस साइड वाली मैं रेंज देता हूँ और स्टोर करवाता हूँ और उसके बाद मैं एक्स 4 देखता हूँ तो मुझे ये वो 18 वाली सिर्फ वैल्यू जो है रिटर्न में देगा, वो बाकी नहीं मुझे बताएगा। तो ये इसके अंदर इशू है। और अगर आपने कंप्लीट देखना है तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप्स यूज़ करते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन काम कैसे करता है। नोटपैड प्लस ओपन है, सिंपल उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ। एक्स देता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ रेंज करो, रेंज ले लेते हैं। रेंज कहाँ से लेंगे, मैं कहता हूँ 6 तक मुझे वैल्यू जो है वो स्टोर कर दो। और इसके साथ मैंने एक्चुअली स्टोर करवाने के बाद मैंने प्रिंट भी अगर लेना है तो वो मैं क्या कहता हूँ उसको, प्रिंट करे भाई, और प्रिंट क्या करे मुझे एक्स की वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर की है वो मुझे प्रिंट कर दे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। अब मैं अगर इसको फाइल को सेव करके रन करता हूँ तो वो मुझे बेसिकली क्या बताता है कि रेंज 0 से लेकर 6 तक दे रहा है। सिंपल वो मुझे कोई ये नहीं बता रहा कि जो उसने कहाँ कैसे स्टोर की है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो सिर्फ ये बता रहा है ये जो मैंने पोजीशन दी है कि 0 से लेकर 6 तक इस रेंज में है। यही इसके अंदर मसला है कि अगर हम लोग प्रिंट लेना है तो या तो मुझे फिर सारी वैल्यू देनी पड़ेगी। वो कैसे देनी पड़ेगी, पहले तो मुझे ये इंडेक्सिंग चेक करनी पड़ेगी। तो वो मैं ब्रैकेट में देता हूँ कि 0 पे बता दो क्या स्टोर है, तो वो फिर मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट लेता हूँ तो देखिए क्या कहता है मुझे, वो कहता है कि 0 पे मैंने 0 स्टोर किया हुआ है। लेकिन इसको मैं फर्दर डिटेल में जाता हूँ तो फिर आपको एग्जांपल समझ लगेगी। मैं वही एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको 5 से स्टार्ट करवा रहा हूँ और 8 तक मैं इसकी स्टॉपिंग पॉइंट दे रहा हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। और अब अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे क्या वैल्यू देता है हम इसके अंदर देख लेते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे बता रहा है 5 to 8 रेंज है इसकी। लेकिन इसको अगर मैंने चेक करना है कि मुझे बताओ कि इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें क्या स्टोर किया है, तो उसमें देखने के लिए मुझे ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा ताकि मुझे बताओ 0 पे तुमने क्या स्टोर किया है। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब मैं देखता हूँ तो वो मुझे बताता है कि उसने 0 पे 5 किया हुआ है। इसी तरह अगले में चेक करता हूँ, बल्कि अगर मैंने ज़्यादा तीनों वैल्यू देखनी है फिर याद रखिएगा मुझे 3 दफ़ा प्रिंट करवाना पड़ेगा। मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू जो है रेंज जो है वो चेक कर लेता हूँ। 1 पे इंडेक्स पे बताओ क्या है भाई, और 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, बल्कि मैं एक और लिख लेता हूँ 3। अब मैंने इंडेक्सिंग उसकी चेक की है 0, 1, 2, 3, ये मैंने इसलिए लिखी है हालांकि इसने 5, 6, 7 की वैल्यू स्टोर की होगी, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ वो मुझे क्या बताता है। तो मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो वो मुझे बताता है 5, 6, 7, और उसके बाद वो मुझे कहता है इंडेक्स एरर है। कहाँ पे एरर है, आउट ऑफ रेंज है इंडेक्स का, 3 जो है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं इसलिए आउट ऑफ रेंज दे दिया, लेकिन उसने उससे पहले वाले 0, 1, 2 को प्रिंट कर दिया जिसमें 5, 6, 7 है। तो ये तो अभी 3 वैल्यू थी मैंने प्रिंट करवानी थी, तो मुझे 3 दफ़ा ये प्रिंट लिखना पड़ा है। इसलिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं ताकि बार बार मुझे प्रिंट की कमांड्स रिपीट ना करनी पड़े। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसी को लेके चलता हूँ मैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं 10 से भाई स्टार्ट करे 20 तक इसको, और 20 पे हम लोग इसको स्टॉप करवाते हैं, और स्टेप्स जो थे मैंने 2 कर लिए थे, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ अगर वैल्यू को। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए क्या आता है मेरे पास, उसने 10, 12, 14, 16 कर दिया क्योंकि अभी मैंने 3 प्रिंट करवाए थे। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह पूरी इंडेक्सिंग चेक करता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब मैं देखता हूँ सेव करके कि वो मुझे अब क्या रिजल्ट देता है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ वो मुझे क्या कहता है, वो मुझे बता रहा है कि फर्स्ट पे 10 है, फिर 12, 14, 16, 18, क्योंकि 2 की इंक्रीमेंट थी वो सेव करता रहा। लेकिन अब देखिए लास्ट मैंने 5 इंडेक्स भी चेक करना चाह रहा था, मुझे बताओ, तो उसने कहा 5 इंडेक्स जो है बेसिकली इंडेक्स एरर दे रही है, रेंज ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रेंज है। मीन्स उसने क्या किया था, 20 तक हमने रेंज दी थी तो वो लास्ट जो स्टॉप पॉइंट था वो ऑलवेज -1 करता है, तो 90 उसने सेव किया हुआ था, जो
2 की इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें 19 नहीं आता, उसमें 18 तक आता है, उसने इसलिए 10 से लेके 18 तक मुझे प्रिंट कर दिया था। फर्दर देख रहा हूँ, अगर मैं 3 की इंक्रीमेंट करवाता हूँ तो बेसिकली मेरे पास क्या वो सेव करेगा वैल्यू, वो 3 इंक्रीमेंट करेगा 3 की, मीन्स के वो पहले 10 को सेव करेगा, फिर 13 को करेगा, फिर 16 को करेगा, फिर 19 को, मीन्स कि मुझे यहाँ तक वो सिर्फ वैल्यू देगा, ये 3 प्रिंट करके देगा। मैं इसको सेव करता हूँ अब, और अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ और रन करता हूँ, तो मुझे देखिए उसने 10, 13, 16, 19 यही 3 वैल्यू उसने स्टोर की हुई थी जो उसने मुझे प्रिंट करके दिए। अगर आप देखें, मैं रेंज ज़्यादा दे देता हूँ 100 तक और उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो मुझे प्रिंट करके नहीं देगा, मुझे उतनी दफ़ा ही प्रिंट लेना पड़ेगा उसकी जितनी जितनी इंडेक्स है। तो ये इसके अंदर मसला है, इसीलिए हम लोग फिर लूप्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह रेंज फंक्शन जो है वो बेसिकली काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ रेंज फंक्शन वर्क्स इन पाइथन। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब।